हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में आपने जाना वार्मिंग अप के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे लिमरिंग डाउन क्या होती है। लिमरिंग डाउन को कूलिंग डाउन भी कहते हैं। तो लिमरिंग डाउन जो है वार्मिंग अप जैसे प्रतियोगिता से पहले की जाती है, इसी प्रकार से लिमरिंग डाउन जो है प्रतियोगिता या प्रशिक्षण के बाद की जाती है। किसी भी प्रतियोगिता या प्रशिक्षण के बाद शरीर को फिर से सामान्य अवस्था में लाने को लिमरिंग या कूलिंग डाउन कहते हैं। कूलिंग डाउन प्रशिक्षण या प्रतियोगिता के बाद एक आवश्यक क्रिया होती है, जिसमें शरीर को धीरे धीरे थकावट से आराम की दशा में लाने का प्रयास किया जाता है। अर्थात जब हम कोई प्रशिक्षण या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो, या प्रतियोगिता में भाग लिया है, उसके बाद हमारा शरीर जब एक्टिविटीज़ करके थक जाता है तो उसको आराम की स्थिति में लाने के लिए कूलिंग डाउन करना आवश्यक होता है। कूलिंग डाउन एक विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसमें शरीर के तापमान को धीरे धीरे कम करने के लिए पहले जॉगिंग या पैदल चलना चाहिए, उसके बाद स्थिर खिंचाव वाले व्यायाम भी करने चाहिए। इस क्रम में कूल डाउन करने से व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन होता है, स्थायी रक्त प्रवाह बना रहता है और हृदय गति एवं श्वास गति सामान्य हो जाती है। उचित ढंग से कूलिंग डाउन करने के लिए हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक जॉगिंग करनी चाहिए। इससे शरीर के तापमान को कम करने में सहायता मिलती है तथा मांसपेशियों से व्यर्थ के पदार्थों के निष्कासन में भी सहायता मिलती है। उसके बाद स्थिर खिंचाव वाले व्यायाम भी उचित ढंग से कूलिंग डाउन करने के लिए हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक जॉगिंग करनी चाहिए। इससे शरीर के तापमान को कम किया जा सकता है और मांसपेशियों से व्यर्थ के पदार्थों के निष्कासन में भी सहायता मिलती है। उसके बाद स्थिर खिंचाव वाले व्यायाम भी लगभग 5 से 10 मिनट तक करने चाहिए। खिंचाव वाले व्यायाम कूल डाउन करने में अधिक उचित होते हैं। सभी मुख्य मांसपेशियों के समूहों का खिंचाव करना चाहिए जिनका प्रयोग प्रशिक्षण या प्रतियोगिता में किया हो। प्रत्येक मांसपेशीय समूह का खिंचाव कम से कम 10 से 20 सेकंड के लिए अवश्य करना चाहिए। लिमरिंग डाउन को तीव्र गति से चलती गाड़ी के धीरे धीरे रुकने के उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे गाड़ी बहुत तेज गति से चलती है और जब उसे स्टेशन पर रुकना होता है तो उससे पहले उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है और धीरे धीरे चल के स्टेशन तक आ जाती है। इसी प्रकार से हमारा शरीर जब प्रतियोगिता में भाग लेता है तो हमारे शरीर की मांसपेशियाँ गर्म हो जाती हैं, तो उनके तापमान को सामान्य स्थिति में लाने के लिए लिमरिंग डाउन करना अति आवश्यक होता है। जिस प्रकार किसी दुर्घटना अथवा झटके से बचने के लिए तीव्र गति से चलती गाड़ी की गति को पूर्णतया रोकने से पहले उसकी गति कम करना आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार खिलाड़ी के लिए तीव्र गति से संचालित मांसपेशियों को पूर्णतया आराम देने से पहले धीमी गति वाले व्यायामों का अभ्यास करना आवश्यक है। इसी कारण किसी प्रतियोगिता या अभ्यास कार्य समाप्त होने पर एथलीटों को कुछ हल्की फुल्की गतिविधियां करते रहने को कहा जाता है। गतिविधियां जॉगिंग अथवा चलने आदि के रूप में की जाती हैं। ये गतिविधियां प्रतियोगिता या अभ्यास के अंत में बिना विश्राम लिए की जानी चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियां करने से शरीर के भीतर चल रही रासायनिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जिनके फलस्वरूप व्यर्थ पदार्थों का निराकरण, स्थायी रक्त प्रवाह का बना रहना तथा हृदय गति एवं श्वास गति में कमी आना संभव होते हैं। तो ये था हमारा लिमरिंग डाउन किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा परिचय। अब हम जानेंगे लिमरिंग डाउन का महत्व या उसके क्या लाभ हैं। लिमरिंग डाउन जो है खेल प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह गर्माने जैसा ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि वार्मिंग अप जरूरी है, ऐसे ही लिमरिंग डाउन भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार किसी प्रतियोगिता व प्रशिक्षण से पूर्व शरीर को गर्माना आवश्यक होता है, उसी प्रकार प्रतियोगिता प्रशिक्षण के बाद लिमरिंग डाउन भी उतना ही आवश्यक होता है। भविष्य में किए जाने वाले प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक करने के लिए लिमरिंग डाउन अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें कौन कौन से लाभ हमें मिलते हैं। सबसे पहले है मांसपेशियों की कठोरता में कमी। तो कठिन एवं तीव्र प्रशिक्षण के बाद मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल तथा रसायन जमा हो जाते हैं, जिसके कारण मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है। लिमरिंग डाउन से ऐसे रसायनों से छुटकारा मिल जाता है, यानी कि जो हमारा लैक्टिक अम्ल है वो पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है और मांसपेशियां जो है शिथिल हो जाती है। दूसरा लाभ है शरीर को आराम व ऊर्जा का पुनः भंडारण। व्यायाम की अवस्था से आराम की अवस्था में आने में मदद मिलती है। इससे शरीर में रक्त और ऑक्सीजन का संचार सुचारू रूप से होता है, जिससे शरीर को भविष्य में किए जाने वाले व्यायाम के लिए फिर से ऊर्जा प्राप्त होती है और शरीर तनाव और दबाव से मुक्त हो जाता है।
तीसरा लाभ है चक्कर आने एवं मूर्छित होने से बचाव। प्रतियोगिता व प्रशिक्षण के दौरान हृदय की क्रिया के द्वारा सारे शरीर में तेज गति से रक्त संचार होता है। मांसपेशियां संकुचन व शिराओं के द्वारा रक्त हृदय में वापस आता जाता रहता है। यदि अचानक ही प्रशिक्षण रोक दिया जाएगा तो हृदय तेज गति से धड़कता रहता है और शरीर में रक्त उसी दर से शिराओं के द्वारा हृदय में वापस नहीं आता। रक्त प्राय हाथों व पैरों में ही रहता है, इसी कारण खिलाड़ी को चक्कर आने लगते हैं या कई बार वो बेहोश भी हो जाता है, मूर्छित भी हो जाता है। कूलिंग डाउन करने से हृदय की धड़कनों की दर जो है धीरे धीरे सामान्य हो जाती है और जो रक्त है वो भी हाथ पैरों में इकट्ठा नहीं होता, सारे शरीर में उसका बराबर वितरण हो जाता है, जिसके कारण चक्कर आने में मूर्छित होने का खतरा कम हो जाता है। चौथा लाभ है बेकार पदार्थों का निष्कासन। लिमरिंग डाउन की गतिविधियों से व्यायाम के दौरान शरीर में इकट्ठे हुए व्यर्थ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, फास्फेट आदि को त्यागने में सहायता मिलती है। शारीरिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते समय ये पदार्थ अतिरिक्त उत्पाद के रूप में मांसपेशियों में इकट्ठे होते रहते हैं। शरीर में इनके जमाव से मांसपेशियां सही ढंग से कार्य नहीं कर सकती। तो हम जब कूलिंग डाउन करते हैं तो इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने में मदद मिलती है और मांसपेशियां जो है रिलैक्स हो जाती हैं। चोटों से बचाओ। कुछ लिमरिंग डाउन व्यायामों से मांसपेशियों की सूजन, ऐंठन व मोच से बचाव हो जाता है। लिमरिंग डाउन से मांसपेशियों की चोटें जल्दी ठीक हो जाती हैं। लिमरिंग डाउन की कुछ गतिविधियां जैसे गर्म पानी से स्नान का भी शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है। तीव्र गति से जटिल प्रशिक्षण या प्रतियोगिता के दौरान शरीर का तापमान लगभग 160 डिग्री फारेनहाइट या इससे भी अधिक हो जाता है। उचित कूलिंग डाउन, जब हम कूलिंग डाउन करते हैं तो शरीर का तापमान जो है कम करने में सहायता मिलती है। तनाव में कमी आती है। कूलिंग डाउन करने से दिमागी तनाव कम हो जाता है। खेल के दौरान तनाव होना स्वाभाविक होता है, तो इस प्रकार कूलिंग डाउन से दिमाग और मांसपेशियों को रिलैक्स मिलता है व तनाव में कमी आ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति, खेलने के दौरान शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कूलिंग डाउन से न केवल ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, थकावट भी दूर हो जाती है और शरीर में पुनः शक्ति प्राप्त, यानी कि शरीर जो है फिर से ऊर्जावान हो जाता है। रक्त में एड्रेनलिन के स्तर में कमी, वार्मिंग अप के दौरान रक्त में एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे रक्त का बहाव तेज हो जाता है। लेकिन कूलिंग डाउन करने से रक्त में एड्रेनलिन का स्तर जो है कम हो जाता है और रक्त का बहाव भी सामान्य हो जाता है। नेक्स्ट है मांसपेशियां कठोर नहीं रहती, वो हमने पहले भी बता दिया था। इससे मांसपेशियां जो है शिथिल हो जाती हैं, आराम की स्थिति में आ जाती हैं, नहीं तो मांसपेशियां अकड़ जाएंगी अगर कूलिंग डाउन नहीं किया जाएगा। हृदय धड़कन की दर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, अर्थात प्रशिक्षण या खेल प्रतियोगिता के बाद कूलिंग डाउन करने से हृदय की धड़कन की दर जो है अपनी पुरानी प्रारंभिक स्थिति में यानी कि सामान्य हो जाती है, जैसी प्रतियोगिता से पहले थी। धड़कन की दर का फिर से सामान्य होना खिलाड़ी की शारीरिक दशा व खेल क्रिया पर निर्भर करता है। ऐसी दशा में कूलिंग डाउन का समय भी बढ़ा देना चाहिए तथा कूलिंग डाउन में और अधिक खिंचाव वाले व्यायाम शामिल कर लेने चाहिए। तो ये था इसका महत्व। अब हम जानेंगे कि लिमरिंग डाउन किन विधियों के द्वारा की जाती हैं। तो इसमें आते हैं हल्के व्यायाम, थकान वाले व्यायाम के उपरांत जैसे जॉगिंग कर दें, साइड रनिंग या पैदल चलना, ऐसे हल्के व्यायाम किए जा सकते हैं और 10 से 15 मिनट तक इन्हें करना चाहिए, जो कि शरीर के तापमान को सामान्य करने में और मांसपेशियों से लैक्टिक अम्ल को निकालने में मददगार साबित होते हैं। नेक्स्ट है स्थिर खिंचाव वाले व्यायाम, जैसे हैमस्ट्रिंग्स, ये व्यायाम हमें करने चाहिए। हल्के व्यायाम के बाद खिलाड़ी को स्थिर खिंचाव वाले व्यायाम करने चाहिए, वे भी 20 से 30 मिनट तक करने चाहिए, जो मांसपेशियों का खिंचाव है वो खिंचाव कम हो जाता है। मालिश, खेल प्रशिक्षण के बाद मालिश करने से भी मांसपेशियों में जो लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो गया है, यूरिक अम्ल, फास्फेट और रसायन आदि, वो मांसपेशियों से बाहर निकलने में सहायता करते हैं। मालिश करने से धमनियों और शिराओं में रक्त का संचार सुचारू हो जाता है और मांसपेशियों को स्थिलन की स्थिति में लाने में सहायता मिलती है, यानी कि मांसपेशियां थकावट जो उनमें हो जाती है वो कम हो जाती है। अन्य विधियां हैं जैसे कि जल चिकित्सा, ऊष्मा चिकित्सा, उत्प्रेरक चिकित्सा जिसमें एक्यूपंचर और एक्यूप्रेशर शामिल है। जल चिकित्सा में कंट्रास्ट बाथ यानी कि गर्म और ठंडे पानी से नहा सकते हैं, व्हर्लपूल में अत्यंत ठंडे पानी से नहाना। ऊष्मा चिकित्सा में सोना बाथ यानी कि स्टीम बाथ शामिल है। तो ये था हमारा लिमरिंग डाउन का टॉपिक। आशा है कि आपने समझ लिया होगा, क्लियर हो गया होगा आपको। धन्यवाद।